Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. शोलों में जलाए हुए लोग रोज मिल जाते हैं, दो चार सताए हुए लोग और कुछ ना हो तो इस बात पे होती है बहस। जलसों और रैलियों में कितने हैं आए हुए लोग? दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है? कितनी तेजी से वो हुआ है अमीर, हाय आखिर वो बेचता क्या है? कल तक थे जो ऐश में, आ चुके हैं तैश में, पूरी कर लो हाजिरी तशरीफ लाने वाजे चौधरी। रात के इस पहर भी आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह आज तो आग बुझाने वाले सिलेंडर लग रहे हैं। आज तो मिल्क आपको शर्मा रहा है, नया जानवर है शर्मा रहा है। मैं मदारी को गया, मैं कहा भाई ने रिच किन्ने का खरीदिया तुम, कहते इन छड़ पुराना हो गया, तुम किन्ने का लिया है? ऐसा खूबसूरत रीच होता है क्या? मुझे तो कई दफा जाते जाते लोगों ने कहा बिल्कुल शाहरुख लग रहे हैं। अच्छा, और इनको कहा आप सुआरुख लग रहे हैं। यहाँ के बंदे हैं भी पुराने स्टेशन पे बैठे हैं, आई नहीं गाड़ी। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को जो कि हैं अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ भंगड़ा इन पाकिस्तान। हमारे पास लास्ट टाइम जब इस प्रोग्राम में आए थे तो इनके साथ राणा सनाउल्ला थे, उसके बाद ही कुछ ऐसे नाराज हुए कि ना सिर्फ इस प्रोग्राम में नहीं आए बल्कि इन्होंने अपना प्रोग्राम इसी तरह का शुरू कर दिया। खैर अब वे वापस पॉलिटिक्स में भी आ चुके हैं और म्यूजिक में भी। आप सबकी तालियों में तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब इब्रारुल हक। मैंने आपके साथ दावत दी हुई है एक मॉडल एक्ट्रेस को, तो प्लीज तालियों में बुलाइएगा मोहतरमा सायमा आजर को। शेर मैं भाई के लिए कहूंगा। अच्छा, गाया था किसी ने के साडा हक इत्थे रख। वाह, गाया था किसी ने साडा हक, के साडा हक इत्थे रख, वही है हमारे प्यारे इब्रारुल हक। आप मत घबराइए, आपके लिए भी शेर आ रहा है। मैं आपकी मोतियां देख के घबरा रही हूँ। क्यों? बहुत ज्यादा रंगीन। एक आध आप ले लीजिए। नहीं, मेरे पास सिल्वर का। ये अगरबत्तियां ले ना 100-200 रुपए की, साथ ही ये मुफ्ती आ जाती है। अर्ज किया है हुस्न हो तो भा जाता है सिर्फ एक नजर। भाई मजा आ गया लेकिन समझ नहीं आई। हुस्न हो तो भा जाता है सिर्फ एक नजर, मेरी मुराद थी वही है सायमा अजहर। ये वापस जो आपने कम बैक मारा है म्यूजिक के अंदर नहीं पॉलिटिक्स में ही सर, जब धीरे दूसरी वाली आनी थी आप ये वाली ले आए हैं। अच्छा, कम बैक से आपकी क्या मुराद है, मैं वापस कब गया था? नहीं सर, बीच में तो आपने जरा एक आध साल जरा एंटरटेनमेंट साइड को दोबारा से ऊपर उठाया। ये आपने एकदम दोबारा से मूछों को ताव दे दिया और अब आप वापस राणा सनाउल्ला के पीछे आ गए। सर वो जरूरी, अभी इलेक्शन ईयर है और मैं समझता हूँ कि अभी स्ट्रगल बहुत ज्यादा जरूरत है हमें, और अल्हम्दुलिल्लाह ग्राफ बहुत ज़बरदस्त जा रहा है पीटीआई का, और बल्कि अगर ये कहा जाए कि बाकी लोगों का बहुत डाउन जा रहा है तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सपोज होना शुरू हो गए, बल्कि हो गए हैं। किन की? जहांगीर तरीन की बात कर रहे हैं? नहीं सर, खुदा का नाम लें यार। नहीं, एक्सपोज तो आजकल केस उनका चल रहा है ना, अभी तो केस चल रहा है उन पे, उनको तो काउंटर पे केस चलाने की कोशिश की जा रही है ना। नहीं नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने 18,000 एकड़ वगैरह का मसला पड़ गया की बात करें ना, वो जो कह रहे हैं मुझे क्यों निकाल। सर वो तो बेचारे निकल गए, अब उनकी छोड़े वो नहीं, अभी और भी बहुत सारे बाकी है निकलने। अच्छा, कौन कौन से? ख्वाजा आसिफ साहब है, हसन इकबाल साहब है, कामे निकले हुए इनके सर। अच्छा, आपको भी बहुत ज्यादा है, आपके तो हल्के के बंदे हैं। जनाब बेचारों ने ट्वीट करके फंस गए कि मेरे पास अकामा था और है, और वो मैंने जनाब सिर्फ आने जाने के लिए रखा हुआ था, जबकि अकामा जो है सऊदी अरब का जो होता है वो तो नेशनैलिटी तो देते नहीं है, इट इज़ सिनोनिमस टू नेशनैलिटी, सो विच इज़ ड्यूअल नेशनैलिटी,
और उसी पे बाहर हो जाएंगे। अच्छा साइमा, ये जो बातें कर रहे थे आपको ये समझ आ रही है? हाँ आ रही है, बट आई लव नवाज शरीफ। सॉरी क्या क्या? आई लव नवाज शरीफ। यू लव नवाज शरीफ? ले सर, प्रोग्राम सारा वहां पड़ा हुआ है, हम लोग तो आराम से बैठने लगे। मेरी बात अर्ज किया है, उस आदमी में और कोई खासियत न थी। वाह, उस आदमी में और कोई खासियत न थी, बस इतना जरूर है कि अच्छा लगा मुझे। ये तो लगता है कि आपने साइमा के दिल की बात की। साइमा आप अपना बताएं, आपको ये क्यों मोहब्बत है जो आपने इसका इजहार किया? बस पसंद है उनके, उनके दौर में कोई टेररिज्म है सच मुझे दिखी नहीं। और कोई देखें, कराची में इतने हालात ठीक हुए, ब्रिजेस बने, कंस्ट्रक्टिव वर्क हुआ, और मतलब जिस तरह गोला बारूद ये वो सब चीज़ें होती थी, मुक्का चौक बंद हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें हुई जो हम लोग को कराची में। मियाँ साहब के दौर में बेहतरी आई है? जी मुझे बेहतरी लगी, मुझे पर्सनली बेहतरी। इमरान साहब अवाम ये कह रही है, देखिए पॉलिटिकल अवेयरनेस, इन्होंने अपनी मासूमियत में बात की है। हाँ मैंने मासूमियत में ही बात की। पहले भी ये कह रही थी कि मुझे पॉलिटिक्स का ज्यादा पता नहीं, पता नहीं है ना, लेकिन बस मुझे जो मगर मियां साहब पसंद है, पसंद है तो बस पसंद है, अच्छी बात है। अब मुझे अबरार भी पसंद है, ऐसी बात नहीं है। आपको ये अंदाजा है कि ये दो पसंदें जो हैं आपकी, ये पसंदें आपस में नहीं मिल सकते? आपको इबरार उल हक जो है एज सिंगर पसंद है, एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट पसंद है, या एज अ पॉलिटिशियन पसंद है? ही इज सो टैलेंटेड। से एक सवाल पूछे, इन्होंने कभी वोट डाला आज तक? हाँ डाला था। कब? पहली दफा 2013 में डाला। हाँ। बैलेट पेपर किस तरह का होता है? बस डाल दिया था। बैलेट पेपर किस तरह? बहन किधर डाल दिया था मतलब? वो घर पे जो आपके क्या उस पे निशान था? जो आता है उस पे पतंग बनी होती है। अच्छा, शेर बना होता है। तो यानी कि ये तो पता चला कि पतंग आपको याद है। हाँ वो उसके ऊपर निशान। तो आपने कौन से वाले पे मोहर लगाई थी? पतंग पे, शेर पे, तीर पे? देखिए हमारे मोहल्ले में तो जो मोहल्ले वाला जो होता है ना वो, उसका मैंने वोट डाला था। उस वक्त जो मोहल्ले वाले हो रहे थे वो पतंग। आपने वोट जो था वो MKM को डाला? क्योंकि हमारे मोहल्ले में वही आता है तो हमने। आपके मोहल्ले में और कोई पार्टी वाला आता ही नहीं? आप लोग कराची में खड़े होते हैं, क्या होता है? मैं तो कह रही हूँ मैं खड़ी हो जाऊँ अपने मोहल्ले से नवाज शरीफ के पार्टी के। नवाज शरीफ को वोट देने से पहले आवाम, नवाज शरीफ वोट के बाद आवाम। कराची में नून लीग के टिकट से खड़ी होना चाहूंगी, उनकी पार्टी के लिए खड़ी होना चाहूंगी अपने मोहल्ले से। मोहल्ले से निकले बाहर, हल्के में आइए। मैं पहले मैं मोहल्ले में जीतूंगी, उसके बाद मैं कराची में जीतूंगी, उसके बाद फिर मैं मुल्क में जीतूंगी। आपको पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जिता रहा हूँ, आप मोहल्ले में पड़ी हुई है। आप मुझे बताएं आप कौन सी पार्टी से टिकट लेना चाहेंगी? आई डोंट नो बट आई लव। अपनी ख्वाहिश का इजहार करें आप, छोड़े सब कुछ। I don't know, PM ना? नवाज शरीफ यानी कि पतंग पे ये मोहर लगाएंगे? नहीं पतंग, पतंग जो है वो पतंग किसकी है बताइए? MQM की है ना? ये देखे। और बल्ला किसका है? बल्ला पता नहीं, जरदारी साहब का बल्ला आपके? ये पढ़ी, इसको सारा कुछ पता है, ये आप लोगों ने ना इसको ट्रेन करके भेजा। अच्छा बात सुने जरा, एक मिनट, जो नून लीग के खिलाफ बोल रहा हो वो सही है, और जो पीटीआई के समझ ना आ रही हो वो ट्रेन नहीं, हो होता है। बल्ले का नहीं उसको पता, कहती बल्ला आपका ही है ना बल्ला। सर तो नहीं हो सकता, बेचारी बच्ची को नहीं पता। एक बात का पता है कि जब देखो धरना निकल जाता है, बेचारे सारी आवाम जो है ना, किधर निकल जाता है? हर जगह धरना निकल जाता है, पूरी आवाम सड़कों में बिलावल जी काम है, घर के अंदर बेगम को सब्जी लाके देनी है। हाँ। बच्चों को स्कूल छोड़ना, सब धरने में गए, कुछ फायदा मिला इतना कुछ करने का? बताइए सर फायदा मिला आपको? कोई फायदा नहीं मिला। इनको ये भी नहीं पता कि क्या फायदा हुआ धरने का? बताएं आप सर फौरी एक, थोड़ा सा ना ये कंफ्यूज लगी हैं, वोट MQM को डालती हैं, प्यार नवाज शरीफ से कर बैठी हैं, बैठी पीटीआई के साथ बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स करना चाह रही है कि मैं सबको रख लूं सर, और इस चक्कर में सारे दूर चले जाएंगे। ये तो बड़ी वैसे शाह महमूद कुरैशी वाली अप्रोच है। खुदा के लिए खुदा के लिए, जाके MQM के साथ कौन बैठा था? नहीं हम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ लायजॉन रखना चाहते हैं, हमारे मुल्क की पार्टी यही कर रही है कुछ ऐसा। और क्या, मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहती। नहीं है खुल के आइए, खुल के आइए। किधर आइए? खुल के आइए, रख नहीं दबता किसी से। लो जट आदमी है, चंगी बड़ी खूबसूरत कुड़ी है, मर्सिडीज बैठी उन्होंने कहता बैजा साइकिल से। इब्रार भाई पीटीआई के अंदर है, आप क्यों नहीं इनको समझाते कभी? मेरी दिली दुआ है जितने नारे लग रहे हैं पीटीआई में, बदलेगा पाकिस्तान, बनेगा ये, अल्लाह करे ये बरतानिया गवर्नमेंट की तरह काम करे अपने वतन में, जैसे अयूब खान ने
बनाए हैं, ये डैम बनाए। नहीं नवाज शरीफ का बताया आप मुझे, उन्होंने कुछ नहीं किया। नवाज शरीफ की दसदास मैं कुछ नहीं किया ना, नवाज शरीफ ने नहीं, नवाज शरीफ ने कुछ नहीं किया ना, नवाज शरीफ की मेरे वास्ते मदद की दसा मैं। नहीं दसो ना तुसी, ये बंदा मुखालफत बोलदा है, लड़ाई बंद भी हो जाए जैसे उतो आन के पाए ना की होया, पहले मैं दसो। अच्छा और जिन्हों वजिया होंगे कहने हों भैन सुला हो गई है, भैन सुला हो गई। दिल में क्या रखा है जिसको तुमने जला रखा है, सबने मिलकर खा रखा है और हमको भूखा रखा है, अपनी मर्जी से चीजों का सबने निर्ख बढ़ा रखा है। ताड़ी मैं फोटो देखी है बिलबोर्ड दे उते, तेरी मैं फोटो देखी बिजली दे वड्डे खंभे दे थले दो हड्डियां हुंदियां ने। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अब्रार साहब, आपने गाना रिसेंटली बनाया है जो सोशल मीडिया और इन चीजों के ऊपर। असल में ये काफी अरसा पहले बना के रखा हुआ था मैंने गाना, ये हमारे एक हमारी कंपनी है मूवी बॉक्स लंदन में, तो रिलीज अब हुआ है। ये पॉप स्टार के जमाने वाली है चीज़, पुरानी वाली है। अच्छा तो ये आजकल वाले गेटअप के अंदर अगर आप ये करेंगे तो कुछ होगा तो नहीं? नहीं क्या होगा। अच्छा तो फिर क्या ख्याल है, हो जाए थोड़ा सा, why not? अरे आइए ना फिर देखते हैं कि पॉलिटिशियन पॉप स्टार कैसा होता है। मुझे सोनू निगम, सोनू निगम का गाने पसंद है। एक्टर पसंद है आपको पाकिस्तानी? साइमाज है। अपने आप को पसंद फरमा रही है? हाँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ। आप अपनी फेवरेट हैं? हाँ जी बिल्कुल हूँ। पाकिस्तानी मर्दाना एक्टर पसंद है? नदीम सर। नदीम साहब जी, शुक्र अल्लाह कोई तो है। नदीम सर और उनके बाद कोई और? सब स्ट्रगलिंग में। नुमान एजाज स्ट्रगलिंग एक्टर है? स्ट्रगलिंग, सब स्ट्रगलिंग में। शान स्ट्रगलिंग एक्टर? नदीम सर की जगह अभी कौन ले सकता है, बाकी के वो सारे स्ट्रगल कर रहे हैं। सर ये एक्टर्स थे, ये एक्टर्स थे, जब एक्टिंग करते थे पता चलता था कि कुछ कर रहा है कोई। हां आप एक्टिंग को जो है ना ऐसे नहीं बना सकते, एक्टिंग एक कला है, उसकी रिस्पेक्ट है, वो पढ़ाई है। सिर्फ स्क्रीन पे आके एक शॉट दे देना यूं करके शाहरुख खान की तरह कर देना, नो दैट्स नॉट एन एक्टिंग। इंडिया में शाहरुख खान को आप एक्टर मानते हैं या नहीं? नो, शाहरुख खान भी एक्टर नहीं है। एक्टर नहीं है, चलो फिर ठीक है मैं। और सलमान खान वगैरह भी नहीं है? कोई नहीं है, एक्टर्स नहीं है। चलो जी, सलमान खान, अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन का कुछ चांस है? है उनके अंदर, वो है एक्टर जी बिल्कुल। चले वहाँ से तो हो गए अमिताभ बच्चन और यहाँ से नदीम साहब, और मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा इन्होंने भी फिल्म की है, इनके बारे में क्या भेजे मेरे ऊपर इस वक्त? इनके बारे में क्या आपको कोई रिसेंटली पाकिस्तानी फिल्म अच्छी लगी अभी जो बनाई? हाँ जी, पंजाब नहीं जाऊंगी मैं, महवेश यात ने बहुत अच्छा काम किया है। चलो, और महवेश यात कितनी को लकी औरत है। आपने इनकी फिल्म देखी है कड़ी की मेरे वीर दी? फिर आपने देखा क्या है? आपने किंग कॉन्ग देखी है? हाँ जी बिल्कुल देखी। दोबारा देखे? Today. Why? You know, my dream has come true. Achha? It's a Friday morning. Huh? Somebody called me from KPK. Okay. Unne kya bhi tere naal commercial karna hai. Achha? Yes. Unne kya tenu paise bhi diyaange. Main 70 jingle bana ke bheje. Achha? Bade khush hoye unne mainu 200 rupya bheje. Naal unne ne kya bhi ye nahi chalne. 70 जिंगल 200 रुपए के? वाह 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 वाह। ते मैं क्या फिर मैं की करना कमर्शियल है? हाँ। उन्होंने क्या डेंगी दे उते कमर्शियल बन रहे है, तू डेंगी दा रोल करना है। तुम्हें किसने कांटेक्ट किया? उते केपीके दा कोई बंदा सी, आवाज तो ते बंदा ही लगदा सी। तुम इस किस्म के रैंडम लोगों से बात करने से पहले बात तो कर लिया करो। बट मेरा ड्रीम अगर सी कि मैं या ते गाने दे विच सुपरहिट हो जावा या केपीके में हिट हो जाऊं। नहीं ते केपीके इज अ गुड, पता है कि मैं उन उठे जाना है, आई नीड 700 रुपया। व्हाई?
उधार दे मैं तेन सौ सौ करके दे दियांगा। अबे जाना तुमने तो तुम उनसे बात करो, उनकी केपी के में बहुत सुन दिया। आई डो बेबी बेबी नो नो जिस सिपरारो लग दिस इज पीटीआई। यस जदो आएगा इमरान करेंगे तेरे जान बनेगा नया पाकिस्तान। यस आई लव मिस्टर इमरान खान। अच्छा येड़ा बंदा मेरे सामने हो मैं कह देना। जिस पार्टी का बंदा तुम्हारे सामने हो। Yes, because देव हर बंदा अपनी पार्टी नू प्यार कर दे ना। अच्छा तो फिर उतार दो टोपी और हो जाए। आज ते बड़ा बिग चांस हैगा। हाँ फिर आजा। Oh my goodness, मेरे को जिन्नी भी कमाई हुई ना जिंदगी च वो मैं तुहानू देनी है। जमैश भी हो जाएगी, उन्हें पता लग जाएगा किन्ना प्यार कर देने पीटीआई ना। जी। भाई जिधर से प्यार करूं जिधर कोई खर्च भी करूं। थोड़ा जिया म्यूजिक नू दे दे ओ पंजाबी टच। नच कनक दिन नच कनक दिन नच कनक दिन नच नच कनक दिन नच कनक दिन नच कनक दिन नच। ओ थोड़ा साडिया ला जा ते आके रोटी खा जा ते बारो कुंडी ला जा ते वंगा नू छनका जा पावे दे अंग्रेजी ते पावे दे दियो पंजाबी टच। नच कनक दिन नच कनक नच कनक दिन नच नच कनक दिन नच। हो रहा मैनू लगदा मेरे भी कढ लेने। कोई गल नहीं, आई डोंट नीड मनी, मैनू पैसे दी जरूरत नहीं है। सिंगर वेख लो जी मेले का कतलामा होंदा। सिंगर वेख लो जी बांदर दी बर्फी हुंदी। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੋ ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। जहांगीर तरीन बचा लो भी बरारो लख साहब का फायदा ही कोई ना। भाई गाने गा के किन्ने पैसे कमा लेंगे। जहांगीर तरीन को ATM उधर देख। ओ माशाल्लाह नाटक। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। साइमा ये बताएं, मुझे इब्रार से पूछना है कि इनकी फिटनेस का राज क्या है, आज भी वैसे ही दिखते हैं। इब्रार भाई प्लीज जल्दी से बताएं, शुक्र है किसी पाकिस्तानी सेलिब्रिटी के लिए भी कोई सवाल आया इनके पास। हाँ। लेकिन नहीं, मैं कम कहता हूँ, दौड़ भाग इतनी होती है कि बी ऑनेस्ट कुछ एक्सरसाइज भी ज्यादा करने का मौका नहीं मिलता, तो फिर भी काम चल जाता है। आपकी बदसूरती का क्या राज है? बड़ी नहर पे नहाना, बदतमीज आदमी के साथ बैठे रहना। अब्रार जी मैंने आपका एक गाना सुना था बचपन में, उसमें वासे भी थे। जिस गाने का इन्होंने जिक्र किया, अब तो बड़ा एक अरसा मुझे लगता है पहले यह गाना आया था, मगर मेरा खैर पर्सनली बहुत ही एक फेवरेट गाना था इनकी इस एल्बम के अंदर, ऐसा जाना मालो माल। और मुझे याद है कि जब ये गाने के अंदर मुझे काम करने का मौका मिला, जवाद बशीर डायरेक्टर थे उन्होंने दिया, तो ये मेरी उस वक्त करियर का बड़ा एक हाईलाइट मोमेंट था कि मैंने किया। और मैं इनको, मुझे याद है को मेरे ख्याल से पहली या दूसरी दफ़ा मिला था, ये सेट पे आए थे, और मैं बड़ा, क्योंकि मुझे वो गाना पसंद बहुत उस वक्त भी था और अब भी है। तो सर क्या ख्याल है, फिर एक बार हो जाए मालो माल? मालो माल मैं आपको माइक पे जरा सा सुना दूं? हाँ हाँ प्लीज दीजिए जरा माइक। मॉर्निंग तो मेनू खान साहब का फोन आ गया, इमरान खान साहब का, मैं कहने कम टू द बनिगाल। अच्छा बड़ा धक्के खांदा मैं उत्थे पहुंचया जी। सवेर दा टाइम सी, सवारी है कोई नहीं सी। बुआ मैं बड़ा खड़काया, टल्लियां मैं बड़ियां मारियां, कोई खोल ही ना, मारिया मैं जंप ते अंदर बनिगाला घर में जी। ते साहब इमरान खान साहब एक टेबल ते कुर्सी ते लेके
ਅੱਗੇ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦਾਸ ਬੈਠੇ ਬੰਨੀ ਵੀ ਉਦਾਸ ਤੇ ਗਾਲਾ ਵੀ ਉਦਾਸ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਤੇ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਤੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਹੁ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਸੇ ਓਏ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਹੀ ਔਲੇ ਪੜੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਓ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਇਆ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਦੂਆ ਬੰਦਾ ਨਾਇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਣਦਾ ਨਾਅਹਲ ਤਰੀਨ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਕਾ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਬਰਾਰੋ ਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਬਚਾ ਲਓ ਵੀ ਇਬਰਾਰੋ ਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬਈ ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ ਅਬੇ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਕੋ ਤੇ ਏਟੀਐਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਏਟੀਐਮ ਉਧਰ ਦੇਖ ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਬਰਾਰੋ ਲਖ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਤੁਮ ਇਹ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਬਰਾਰੋ ਲਖ ਦੇ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਲੈ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਕਦੋਂ ਅਭੀ ਕਿਤੇ ਯਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਸੇ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਫੁੱਫੀ ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਖਾਤੂਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨੀਲਮਾ ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਇਮਾ ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬਾ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫੈਨ ਪੁੱਛ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਾਬ ਲੋਟਾ ਦੋ ਮੇਰੇ ਖਾਬ ਲੁਟਾ ਦੋ ਆਹ ਮੇਰੇ ਖਾਬ ਲੁਟਾ ਦੋ ਸੋਰੀ 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 ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਾਫ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਟੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਬਈ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰ ਰੋਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਖਾਤੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਜੈਨਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਬਈ ਫੋਟੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਬਾਈ ਜਨਾਂ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਫੋਟੋ ਜੀ ਸਰ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਚਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕੇਸਟ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਲਈ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਤੇ ਰਾਸ਼ੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੱਢ ਲਈ ਸੇ ਕਿਸ ਕੋ ਆਪ ਲਿਫਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਮਾਰਵੀ ਮੇਮਨ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਫਾਰੂਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜ਼ਮੇ ਬੁਖਾਰੀ ਅਜ਼ਮੇ ਬੁਖਾਰੀ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਸਾਥ ਕੀ ਪਤਾ ਜਾਤੇ ਜਾਤੇ ਇਸ ਕੋ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਟੀਆਈ ਮੈਂ ਕਨਵਰਟ ਹੀ ਕਰ ਲੂ ਉਹ ਨਾ ਵਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਚ ਲੈ ਜੇ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਜ਼ਾਕਰਾ ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਬਗਰੀਬ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈਏ ਕੁਝ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਗਾੜੀ ਕੋ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਔਰ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਮੇਂ ਉਸਕੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦੀ ਗਈ ਵੋ ਸ਼ਖਸ ਹਰ ਜੁਮੇ ਕੋ 2 ਘੰਟੇ ਕੇ ਲਈ ਰੋਡ ਪੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲੇ ਕਾਰਡ ਪਕੜ ਕੇ ਜਿਸਕੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾੜੀ ਧਿਆਨ ਸੇ ਚਲਾਏ ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈ ਜਿਸਕੋ ਮੋਨੀਟਰ ਵੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਹ ਤੋ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਕੌਮੋਂ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹਾਂ ਵੀ ਅਲਾਮਤੀ ਸਜ਼ਾਏ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਜਰਮ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਕੌਮ ਮੇਂ ਦਰੁਸਤਗੀ ਵੀ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਭਾਈ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਪਾਸ ਦਾ ਐਸਾ ਛਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਇਰਾਦੇ ਚਾਚਾ ਮਾਰ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾਓ ਸੇ ਮੁਜਰਮ ਇੰਤਕਾਮੀ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਰਾਇਮ ਕਰਨੇ ਲਗਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੋ ਸਕੂਲੋਂ ਕੀ ਦੀਵਾਰੋਂ ਪੇ ਲਿਖਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਮਗਰ ਅਗਰ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਨਾ ਤੋ ਫਿਰ ਲਿਖਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਮਾਰ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈਏ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਜੇਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਤਾ ਇਵਨ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਵੀ ਅਗਰ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਤਾ ਲੇਕਿਨ ਥਾਈਲੈਂਡ ਮੇਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜੇਲ ਹੈ ਕਿ ਵਹਾਂ ਪੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਮੂੰਹ ਬੋਲੇ ਦਾਮ ਦੇ ਕਰ ਜਾਤੇ ਹੈ ਅਬ ਉਸਕੀ ਖਾਸ ਬਾਤ ਕਿਆ ਹੈ ਉਸ ਜੇਲ ਮੇਂ ਉਸ ਜੇਲ ਮੇਂ ਇੱਕ ਜੇਲ ਥੀਮਡ ਐਸਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਮੂੰਹ ਬੋਲੇ ਦਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵਹਾਂ ਜਾਤੇ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਆਜ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਥਾਣਾ ਜੇਲ ਔਰ ਫੈਂਟੀ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
होटल भी तो है ना, तो उत्थे की खाना जाके? होटल में डिशें नहीं होगी। हाँ तो क्या डिशें होंगी? फेंटी मूंगरे, जॉगर रोस्ट, भिंडी चपेड़, मुक्का पलाव, कीमा डंडे और आखिर में तजाबी जर्दा। जी 2020 का आगाज करते हैं तो पहले क्या लेडीज फर्स्ट करें या आप सर जाना चाहेंगे? सर सवाल पूछूंगा आपसे और आपको मैं ऑप्शंस दूंगा, आपको एक ऑप्शन को एज योर जवाब पिक करना लाजिम है, ठीक है जी? यार बात सुनो, ऐसा ना हो कि किसी का दिल मुझे तोड़ना पड़े। सर जाहिरी बात है मैंने सवाल क्यों करने आपसे। अच्छा भाई, जिसका दिल टूटा हुआ ना मैं अल्फाबेटिकली जवाब दे दूंगा, मैं भी बड़ा चलाक हूं। पहला सवाल, इब्रार उल्हक हैवी बाइक चला रहे हैं, नारोवाल की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, इनमें से किसको आप लिफ्ट देना चाहेंगे? मारवी मेमन, शर्मिला फारूकी या फिर अजमे बुखारी? अजमे बुखारी को ले जाऊंगा साथ, क्या पता जाते जाते इसको मैं वो पीटीआई में कन्वर्ट ही कर लूं। ओ ना वो तन नून लीग ले जाए। स्काई डाइविंग हो रही है और आपने छलांग मारी है जहाज से, दो पैराशूट थे, एक पैराशूट आपने पहन लिया, दूसरा पैराशूट आप किसी और को दे सकते हैं, तो वो दूसरा पैराशूट आप इनमें से किसको देते हैं? जनाब जवाद अहमद, फाखिर या फिर हारून? मेरा इनमें से सबसे अच्छा दोस्त वैसे फाखिर है। फाखिर को तो आप, फाखिर को दे दूंगा। फाखिर को पैराशूट देंगे आप, जवाद अहमद को पैराशूट नहीं दे रही है इनमें से? बिल्कुल माइंड नहीं करना यार तुमने, देखो ये देखो तो, ये पैराशूट वाली बात, चलो यार तुम्हारे पास सवाल है तुम भी ये जवाब दे दे। सर इनमें से किस सिंगर में आपको सबसे ज्यादा पोटेंशियल नजर आता है एज इब्रारुल हक? आयमा बेग, मोमना मुस्तहसन या गुल पंद्रह? गुल पंद्रह जरा डिफरेंट है वैसे। सर किश्ती में सवार हैं आप, किश्ती डूब रही है और दो लाइफ जैकेट्स थी, एक तो आपने खुद पहन ली, दूसरी लाइफ जैकेट आप किसी और को दे सकते हैं, तो वो दूसरी लाइफ जैकेट इनमें से किसको देना चाहेंगे? जनाब आसिफ सरदारी, मौलाना फजल रहमान या फिर शहबाज शरीफ? मैं दो लाइफ जैकेट्स नहीं पहन सकता। नहीं सर, ना इंदौर में लाइफ जैकेट एक तो देनी पड़ेगी। नहीं, मेरी बात सुनो, इस पे भी मैं कहूंगा मैं वही ऑप्शन लूंगा अल्फाबेटिकली आसिफ अली जरदारी। जरदारी साहब से एक बार मेरी मुलाकात हुई, वो बड़े नफीस अच्छे इंसान है, मतलब दोस्ती के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। अच्छा वो अब्रार भाई और मैं आसिफ भाई इस तरह गपशप हो रही थी, तो मेरे सेन में सवाल है, मैंने कहा इतनी फ्रैंकनेस अब हो गई है तो उनसे एक सवाल पूछ लूँ। आपको याद होगा उस जमाने में आसिफ जरदारी साहब के हवाले से बड़े मैसेजेस चल रहे होते थे, तो मैंने कहा आसिफ भाई ये जो मैसेजेस लोग बड़े बुरे बुरे लिखते हैं ये आप तक पहुँचते हैं? उन्होंने चाय का कप उठाया और सिप लिए, बड़े प्यार से कहते हैं अब्रार भाई एक एक मैसेज मेरे तक पहुँचता है। मैंने कहा कमाल है, अच्छा तो आपका क्या रिएक्शन होता है? बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहते हैं मैं ये कहता हूँ कोई बात नहीं, मेरे खाते में अपनी नेकियाँ लिखवा जाते हैं और मेरे जो गुनाह हैं वो अपने खाते में ले जाते हैं। जवाब उनका $1 million था, इस पे उनको दाद ज़रूर देनी चाहिए। तो लाइफ जैकेट आसिफ जरदारी साहब को दी इब्रार साहब ने, और इससे हमें जो इनकी गुफ्तगु से जो हमने नतीजा अखज किया वो ये कि जब एक इंसान मौजूद ना हो तो उसके बारे में हमें नहीं करनी चाहिए चुगली या कोई बात ऐसी जो कि बुरी हो। सर तीन ऑप्शन हैं, अच्छे हैं, दूसरी है बहुत अच्छे हैं, तीसरी बात यह कि गल्ला बनिया हुए हैं। तो सर नाम आपको मैं तीन दे रहा हूँ, अलीम खान, जहांगीर तरीन और परवेज खटक। अल्फाबेटिकली जा रहा हूँ इसलिए आपको रिमाइंड नहीं करना। एक किसका नाम था? अलीम खान। अलीम खान बहुत अच्छे हैं। दूसरे नंबर पे कौन सा अच्छे हैं? जहांगीर तरीन। अल्फाबेट जे आता है और खटक साहब माजरत के साथ गल्ला बड़ी हुई है। You are ever stuck, इन दोनों में से आपने अपनी प्रेफरेंस बतानी है जल्दी जल्दी। शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन? शाह महमूद कुरैशी। चौधरी निसार या ख्वाजा आसिफ? चौधरी निसार। नवाज शरीफ साहब या आसिफ अली जरदारी साहब? आसिफ अली जरदारी। पाकिस्तान का अगला वजीर आजम अगर इन में से चूज करना हो तो किसको चूज करना चाहेंगे, बिलावल भुट्टो या हमजा शहबाज? इमरान खान। सर उन दोनों में से या फिर जनरल नॉलेज? अल्फाबेटिकली फिर बिलावल आएगा। बिलावल भुट्टो अल्फाबेटिकली आप होंगे अगले वजीर आजम, आसिफ जरदारी साहब इनके फेवरेट पॉलिटिशियन है, हमें लग रहा है कि अगली मंजिल इब्रार साहब की कहाँ है। बहुत सारी तारीफ इब्रार उल हक के लिए। जी तो साइमा जी, ये बताइए इनमें से सबसे ज्यादा गुड लुकिंग आपको कौन लगते हैं, हमजा अब्बासी, एहसन खान, फवाद खान या हुमायूं सईद? फवाद खान। अब मैं आपको तीन ऑप्शन दे रहा हूँ, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं और बस ऐसी बातें बनी हुई हैं, ठीक है जी? तो जो तीन नाम है आपके पास वो है नौमी अंसारी, HSY, अली जीशान। HSY बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं कौन है? अली जीशान। ठीक है, और ऐमी गल्ला बनिया ने यानी के नौमी अंसारी?
नौमिन सारी की यही बातें बनी हुई हैं। हाँ जी। अगर फिल्म में काम करने का आपको मौका मिल रहा है तो इनमें से किसको अपना हीरो देखना चाहेंगी? अच्छा, शेख रशीद, दानियाल अजीज या फिर असद उमर? जनरल नॉलेज कर लेते हैं। अच्छा नहीं, उनमें से किसी को मौका नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो जनरल नॉलेज का नहीं हो सकते। इनमें से कौन पाकिस्तान के सदर नहीं रहे? अच्छा, आपके सामने जो नाम है वो है आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, रफीक ताडर, परवेज मुशर्रफ साहब। परवेज मुशर्रफ? परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के सदर नहीं रहे? आई डोंट थिंक सो। You only know Nawaz Sharif. अच्छा जी, तो फिर ये बताएं, नवाज शरीफ साहब पहली बार पाकिस्तान के वजीर आजम किस साल में बने थे? पता नहीं, मैं बहुत छोटी थी उस वक्त। पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है? चब छोड़े, पाकिस्तान। आपके पासपोर्ट के ऊपर जो लिखते हैं, हाँ, वो क्या नाम लिखते हैं? पाकिस्तान। बहुत सारी तालियां साइम आजर के लिए। अबराज भाई, थैंक यू सो मच। साइम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डीजे खास मेहमान हैं, तो फिर कुछ खास होना चाहिए, आ जाएं।